उजियारपुर सीट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हैट्रिक दांव पर लगी हुई है। 3 चुनाव से इस सीट का अस्तित्व है और हर चुनाव में एनडीए को ही जीत मिलती है। पिछले चुनाव में 2.77 लाख वोटों से जीत दर्ज करने वाले नित्यानंद राय के सामने इस बार बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता है। इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें भाजपा के नित्यानंद राय, राजद के आलोक मेहता, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के संतोष राय, बसपा के मोहन कुमार मौर्य, जागरूक जनता पार्टी के निकी झा, जनता राज विकास पार्टी के मनोज कुमार, SUCI कम्युनिस्ट के राम पुकार राय उम्मीदवार हैं। जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों में किशोर कुमार, नरेंद्र गिरी, राकेश कुमार, संजय पासवान और अमरीश राय उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उजियारपुर सीट पर कुल 60.15% मतदान हुआ था। इसमें भाजपा के नित्यानंद राय को 56.11% वोट मिले थे। 2014 में इस सीट पर 60.22% मतदान हुआ था, तब जीतने वाले भाजपा के नित्यानंद राय को 36.95% वोट मिले थे। आपको बता दें, इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में 3 सीटें एनडीए के पास है जबकि 3 सीट महागठबंधन के पास है। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।